नमस्कार, 7i न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं विभा परमार। चलिए रुख करते हैं आज की खबरों की तरफ। अजयगढ़ के जनपद अध्यक्ष और पूर्व सपा प्रत्याशी दशरथ यादव समेत अन्य रेत से जुड़े कारोबारियों का वीडियो सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा है, जो इस समय पूरे जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि वायरल वीडियो कुछ समय पूर्व का बताया जा रहा है, जो किसी खुफिया कैमरे में शूट किया गया है। आपको बता दें कि वायरल वीडियो में पंचायत की वीरा नंबर 03 रेत खदान से लेकर जनपद अध्यक्ष और रेत से जुड़े लोगों के बीच चर्चा की जा रही है, जिसमें अधिकारियों के रुपए लेन देन की चर्चा भी वीडियो में है। आपको बता दें कि वायरल वीडियो में पंचायत की बीरा नंबर 03 रेत खदान को लेकर जनपद अध्यक्ष और रेत से जुड़े लोगों के बीच चर्चा की जा रही है, जिसमें अधिकारियों के रुपए लेन देन की चर्चा भी वीडियो में है। इतना ही नहीं, रेत खदान को चलाने को लेकर आपसी समझौते की बात भी वीडियो में दिख रही है। अब वीडियो सत्य है या असत्य, निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए और जो इसमें लिप्त है उन पर कार्रवाई ही होनी चाहिए। क्या है कि मैं अपने घर में बैठा था, सरपंच बीजा के जोगरा प्रधान है और कुछ रेत माफी आए थे, अपनी चर्चा चल रहे थे कि आप मैनेजमेंट, तो मैंने कहा कि मेरा मैनेजमेंट कठिन चलता है, मैं फेम मैनेजमेंट इतना फेम हूँ कि मेरी आप तक किसी को दुरुपया किसी को नहीं, मेरी गाड़ी नंबर एक पर चलती हैं, बाकी जरा बंदा लेता हूँ पटपाफ लेता हूँ, खदान से नंबर एक खदान में चलाता हूँ, मेरे कोई मैनेजमेंट नहीं आता, मैनेजमेंट की बात बात करते रहे, क्या करते रहे, मैंने ज़्यादा फिर ध्यान भी नहीं दिया, लेकिन मुझे इंटरेस्ट नहीं था तो ध्यान नहीं दिया। अब क्या क्या बात उन्होंने किया वो जानी, क्या क्या होने क्या नहीं वो करते रहे, मेरे तक मैंने कुछ बात की नहीं। आपका जो वीडियो है, मतलब आपका कहना है कि मेरे द्वारा ऐसा कुछ नहीं कहा, मेरे द्वारा ना ऐसा कुछ कहा गया, ना मैं कहीं अवैध उत्खनन करता, ना आज तक मैं नदी कभी गया हूँ कि कहाँ क्या, मतलब फाल दो फाल फिर नदी नहीं गया हूँ, और ना मुझे पता है कि क्या किस तरह का मेजरमेंट होता है, मेजरमेंट होता है फॉर्म जाए जिस मेजरमेंट करते हो, मैं तो ना किसी को मेजरमेंट करता हूँ, ना मैं करता हूँ, मैं अपने फॉर्म इतना सक्षम हूँ कि मैं पैसा को ना देता हूँ ना देता हूँ। अजयगढ़ से अनिल कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। बालूमाथ पुलिस ने सीरम भगिया ग्राम में छापामारी अभियान के तहत दो मोटरसाइकिल सहित चोरों को गिरफ्तार किया है। इधर बालूमाथ SDPO रणवीर सिंह ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर बालूमाथ ASI बहादुर महतो के नेतृत्व में छापामारी की गई, जहां गुरुवार को भगिया मोड़ के पास एक चोरी की मोटरसाइकिल के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया गया। वहीं आरोपी के पास से पुलिस को 5 मोटरसाइकिल बरामद हुई हैं। आपको बता दें कि ये सारी कार्रवाई मुखबिर की सूचना पर की गई है। बालूमाथ लातेहार से दिलीप कुमार की रिपोर्ट। दतिया में रोटेशन प्रणाली को लेकर होमगार्ड सैनिक धरने पर बैठे हैं, जहां सरकार का आदेश आने पर होमगार्ड सैनिकों ने आंदोलन किया। उनका कहना है कि सरकार ने कोर्ट की अवहेलना की है। वहीं 2011 में कोर्ट के द्वारा होमगार्ड सैनिकों को 12 माह नौकरी करने का कोर्ट के द्वारा आदेश जारी किया गया था, लेकिन जब मध्य प्रदेश गृह विभाग भोपाल के द्वारा आदेश पत्र में 2 माह के लिए रोटेशन बैठने की बात कही गई तो सभी होमगार्ड सैनिक धरने पर बैठ गए। इधर अपनी मांगों को लेकर उन्होंने कहा, जब तक सरकार है या आदेश वापस नहीं लेगी तब तक हम सब धरने पर बैठे रहेंगे। क्या मांगे आपकी, किस बात को लेकर धरने पर बैठे हो? ये आदेश आया है कल, इसमें ना रोटेशन प्रणाली दोबारा चालू कर दी गई है, जो 2011 में कोर्ट के द्वारा बंद कर दी गई थी, ये आज फिर से चालू कर दी गई है, और इनमें सभी ना नए सैनिकों के, पुराने सैनिकों के नाम आए हैं। इसको हम बंद करने की, सभी होमगार्ड सैनिक इसको बंद करने की मांग कर रहे हैं, इसको बंद करो हैं। 2 महीने के लिए ना रोटेशन प्रणाली चालू कराए, जिसमें 2 महीने प्रत्येक सैनिक घर पर बैठेगा, 10 महीने तक ऐसा कोई आदेश हैं आदेश नहीं हुआ है, और इन्हें कोर्ट की अवहेलना करी है। क्या बात सर, हमारी यही है कि जो रोटेशन प्रणाली चालू कर दी गई है, वो दोबारा से इन्हें फिर जो लागू बंद कर दी गई थी 2011 से, वो चालू कर दी गई है ना। और सर, जिस सुप्रीम कोर्ट की, जो हमारी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बंद कर दिया गया था रोटेशन प्रणाली, फिर से जिन्हें चालू कर दिया गया है, और हर सैनिक जो पुराना नया जो भी हो, उसको महीने में 2 महीने घर बैठना पड़ेगा। इससे हम लोगों की आर्थिक परिस्थिति भी और घर की परिस्थिति भी कमज़ोर हो जाएगी सर, और हम 2 महीने कहाँ भटकते फिरेंगे सर नौकरी के लिए। सीहोर जिले के नसरुल्लागंज में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं का जन आंदोलन पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में किया गया, जिसमें भारी तादाद में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और क्षेत्र के किसान एकत्रित हुए। वहीं सीहोर जिले के चारों विधायक, सांसद, अध्यक्ष सहित
कई मंडल अध्यक्ष उपस्थित हुए। इधर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मिलन गार्डन में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इसके बाद मिलन गार्डन से भारी तादाद में कार्यकर्ताओं और क्षेत्र के किसानों के साथ के तहसील प्रांगण पहुंचे, जहां शिवराज सिंह कमलनाथ सरकार पर जमकर बरसे। वहीं इस दौरान तहसीलदार SDM की मौजूदगी में DM साहब को ज्ञापन दिया और कहा कि हमारे किसान भाइयों की मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। और माइनिंग विभाग का अफसर अवैध उत्खनन वालों के साथ थोड़ी खोपड़ी नीचे करते हैं, यहाँ की रेत लुटवा रहे। मंत्री से लेके बाकी सब संदेह के घेरे में खड़े, रात रात भर डंपर चलते हैं, रात रात भर हमारे बनाए सारे रास्ते तोड़े दे रहे हैं। हमने तय किया है आज जो आंदोलन किया, रेत का अवैध उत्खनन प्रभावशाली ढंग से बंद होना चाहिए, प्रभावी कार्रवाई होनी चाहिए। और जनता ने भी तय किया कि गांव गांव में नर्मदा सेना बनाएंगे, और प्रशासन और ये सरकार नहीं रोकेगी तो जनता रोकेगी। लेकिन प्रशासन ने आश्वस्त किया है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का पैसा नहीं आया कई किसानों के खाते में, अब देने वाले दिल्ली में बैठे। नरेंद्र मोदी जी पैसा भेज रहे हैं। नसरुल्लागंज से चंपालाल केवट की रिपोर्ट। सिंगरौली के पोखरा में आपकी सरकार आपके द्वार शिविर का आयोजन किया गया, जहां कार्यक्रम में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री कमलेश्वर पटेल ने पोखरा में आयोजित आपकी सरकार आपके द्वार शिविर में शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं से आमजनों को अवगत कराया। वहीं मंत्री कमलेश्वर पटेल के द्वारा पात्र हितग्राहियों को शासन की योजनाओं के लाभ से लाभान्वित भी किया। शिविर में उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए मंत्री कमलेश्वर पटेल ने कहा कि लोगों की रोजमर्रा की समस्याओं को स्थानीय स्तर पर निराकरण करने के लिए आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम प्रारंभ कर सरकार ने लोगों को राहत प्रदान करने का कार्य किया है। इधर कार्यक्रम में जिले के कलेक्टर SP SDM सहित कांग्रेस के प्रमुख नेता भी उपस्थित रहे। सिंगरौली से शिवेंद्र द्विवेदी की रिपोर्ट। आगरमालवा में भाजपा कार्यकर्ताओं पर अत्याचार और प्रदेश सरकार की दमनकारी नीतियों के विरुद्ध शुक्रवार को ज्ञापन सौंपा, जहां पूर्व मंत्री और पूर्व ऊर्जा मंत्री विजेंद्र सिंह सिसोदिया समेत भाजपा जिला अध्यक्ष दिलीप सकलेचा के नेतृत्व में आगर छावनी झंडा चौक में संबोधित कर रहे थे। वहीं वरिष्ठ नेताओं सिसोदिया, सकलेचा, करण सिंह यादव आदि ने संबोधित धरने के बाद रैली निकालकर प्रमुख मार्गों से होते हुए कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। वहां पर वरिष्ठ नेताओं, जिला पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर ज्ञापन डिप्टी कलेक्टर अवधेश कुमार शर्मा को सौंपा। ज्ञापन का वाचन जिला अध्यक्ष सकलेचा ने किया। इधर इस दौरान बद्रीलाल सोनी, लक्ष्मण सिंह कांवल, मयंक राजपूत, गोविंद सिंह बरखेड़ी, कैलाश कुंभकर, बाबूलाल बिजापारी आदि शामिल हुए। खबरों में फिलहाल इतना ही। शहर की ताजा तरीन खबरें 7i News में। नमस्कार।